हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे वुमेंस के लिए दो शर्टें बाय की हैं, जो पार्टी या शर्टें हैं बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है। इसको एक को मैंने मिंत्रा से बाय किया है और एक को मैंने अमेजोन से बाय किया है। एंड फर्स्ट जो मैंने बाय की है ये अमेजोन से बाय की है। फर्स्ट शर्ट मैंने ये एक गोल्डन शेड में बाय की है और मैंने इसको डार्क कॉफी कलर के शेड में मैंने इसको बाय किया था, बट ये मुझे इस तरीके के लाइट गोल्डन शेड में मुझे रिसीव हुई है। फ्रंट से आपको कुछ इस तरीके के लुक में होगी और जिस शेड को मैंने बाय किया था उसका साइड में इमेज लगाऊंगी तो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सा शेड बाय किया था। वो वाला भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था, बट ये वाला भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वियर करने के बाद ये काफी ज्यादा स्मार्ट लुक दे रहा है। ये पार्टी वेयर शर्ट होगी, बहुत ही सिंपल सी शर्ट है, बट ये वियर करने के बाद काफी ज्यादा स्मार्ट लुक दे रही है। आप किसी भी जींस या जैगिंग के साथ इसको वियर करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक देगी। फ्रंट से कुछ इस तरीके के लुक में आपको मिलती है। फ्रंट में सिंपल शर्ट कॉलर आपको मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट कॉलर इसमें दिए हुए हैं। फुल स्लीव की ये शर्ट होगी। स्लीव में आपको इस तरीके का एक सिंपल बटन मिलेंगे। फ्रंट में आपको 4 से 5 इसमें इस तरीके के बटन डिटेलिंग दी हुई है। ऑल ओवर लुक आप देख सकते हैं, फ्रंट में कुछ इस तरीके के लुक से है और इस तरीके के लुक में मिलेगी और एग्जैक्ट आपको ट्रायंगल में भी देखकर पता चल जाएगा कि वेयर करने के बाद आपके ऊपर किस तरीके का लुक देगी। शर्ट नीचे से इस तरीके के राउंड शेप में है, जो कि इस तरीके की शर्टें काफी ज्यादा स्मार्ट लुक देती हैं। और इसके एंड फैब्रिक की बात की जाए तो ये सैटन का फैब्रिक होगा। ये काफी ज्यादा सॉफ्ट वाला फैब्रिक है और ये बहुत ज्यादा ना तो थीन है और ना ही बहुत ज्यादा थिक है, तो इसमें से कोई विजिबल होने वाला नहीं है, तो इसमें से कुछ विजिबल नहीं होगा। तो आप इसी तरीके से इसको कंफर्टेबल होकर वेयर कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। इसको मैंने अंडर 500 रुपीज में बाय किया है और इसमें मैं ये मस्ट बाय है। अगर आप इस तरीके की सैटिन की पार्टी वेयर कोई शर्ट बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है और वेयर करने के बाद भी काफी ज्यादा स्मार्ट लुक दे रही है। तो मुझे तो ये काफी ज्यादा पसंद आई है। अगर आप इस तरीके की शर्ट बाय करना चाहते हैं डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छी है। और इसकी अगर शेड की बात की जाए तो 7-8 शेड अवेलेबल है। जो भी शेड आपको पसंद हो आप उसमें से बाय कर सकते हैं। मुझे कॉफी कलर का काफी ज्यादा पसंद आया था, मैंने वो वाला बाय किया था एंड ये वाला शेड मुझे रिसीव हुआ है। ये वाला भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो डेफिनेटली आप इसको भी बाय कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो मैंने बाय किया है उस शर्ट को मैंने मिंत्रा से बाय किया है। मैंने पार्टी वेयर शर्ट बाय की है। इस तरीके की सिंपल सी पैकेजिंग में हमें रिसीव होती है, जिसको मैंने ओपन करके चेक कर लिया है। मैंने ये वुमेन्स के लिए स्टार्टिंग की शर्ट बाय की है और इस तरीके की शर्टें काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। पार्टी अगर फंक्शन में आप गर्ल्स हैं तो आप इस तरीके की शर्ट वेयर कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा सिंपल भी होती है बट ये पहनने के बाद काफी ज्यादा रिच लुक देती है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लगती है। फ्रंट से आपको इस तरीके के लुक में मिलेगी। फ्रंट में आपको इस तरीके के बटन डिटेलिंग मिलती है, जिसमें कि 4 से 5 बटन मिलते हैं और सारे के सारे बटन इसमें ओपन होंगे। सिंपल इसमें सॉफ्ट कॉलर मिलेंगे। ये फ्रंट के लुक की बात की जाए तो ये फुल लुक इस तरीके का होगा और उसकी स्लीव्स की बात की जाए तो फुल स्लीव्स की ये शर्ट होगी। और इसकी स्लीव्स की अगर बात की जाए तो स्लीव्स में इस तरीके के 2 बटन डिटेलिंग दी हुई है। इसमें कफ दिया हुआ है। इस तरीके के कफ शर्ट में काफी ज्यादा स्मार्ट लुक देते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है इस तरीके की शर्ट वेयर करने के बाद। एंड अगर उसकी बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड से कुछ इस तरीके के लुक में होगी और बैक साइड में आपको इस तरीके के 2 प्लेट्स मिलेंगी, जो कि वेयर करने के बाद काफी ज्यादा अच्छी लगती है, काफी ज्यादा अच्छी इसकी फिटिंग आती है। नीचे से अगर इसके लुक की बात की जाए तो नीचे से आपको इस तरीके के राउंड लुक में मिलेगी एंड एग्जैक्ट आपको ट्राई एंड होल में भी देखकर पता चल जाएगा कि ये वेयर करने के बाद किस तरीके का स्मार्ट लुक देगी। एंड अगर इसके साइज की बात की जाए तो ये स्मॉल साइज से लेकर 3XL साइज तक अवेलेबल है और मैंने इसको 2XL साइज में बाय किया है। और मेरा साइज XL साइज की शर्ट्स एंड टॉप मुझे आते हैं, बट मैंने इसको 2XL साइज में अपने लिए बाय किया है, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लूज शर्ट पहनना पसंद करते हैं और लूज शर्ट भी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक देती है। कई बार हम फिटिंग की शर्टें वेयर करते हैं
अगर बॉटम हम फिटिंग का पहन रहे हैं तो इस तरीके की लूज शर्ट भी काफी ज्यादा सुंदर लगती है। उसी के लिए मैंने इसको बाय किया है और ये वियर करने के बाद गाइस बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक दे रही है। एंड आपको ट्रायल रूम में भी देखकर पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्ट वियर करने के बाद कितना ज्यादा स्मार्ट लुक देगी। तो मुझे तो ये पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। एंड अगर इसके फैब्रिक की बात की जाए 119 रुपीज में बाय किया है और आप देख सकते हैं वेयर करने के बाद बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक दे रही है। पैटर्न की आपके साथ पहले भी शेयर की हुई जिसको मैंने मीशो से बाय किया था और वो इससे हाफ रेट में मैंने बाय की थी। चाहते हैं तो इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं क्योंकि वेयर करने के बाद तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक दे रही है। एंड इसके अगर कलर की बात की जाए तो इसमें वहां पर 6 से 7 शेड अवेलेबल है और को वीडियो में शो हो रहा है जिस तरीके का शेड ये मैंने बाय किया है। मैंने इसको डार्क शेड में इमेज में जो मैंने बाय किया था वो डार्क माउस कलर था, डार्क कॉफी कलर था, बट ये मुझे इस तरीके के लाइट शेड में रिसीव हुई है। एग्जैक्ट मैं इमेज साइड में लगाऊंगी तो आपको देखकर पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा कलर पिक किया था, बट ये मुझे इस तरीके का शेड लाइट शेड में रिसीव हुई है। एंड अगर इसके शेड की ये इस शेड की बात की जाए तो ये गोल्डन सा शेड है, ये भी बहुत ही ज्यादा वेयर करने के बाद स्मार्ट लुक दे रहा है। शेड मुझे ये वाला भी बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बट मैंने दूसरा शेड बाय किया था एंड मुझे ये वाला शेड रिसीव हुआ है। उसकी अगर ब्रांड की बात की जाए तो पॉपिंग ब्रांड का ये शर्ट होगा। एंड इस बात की ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये शर्ट की वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।